ओके, तो हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाए ये तो अलग बात है, पर हम प्रेडिक्शन करें ही नहीं ये तो गलत बात है। तो भाई फाइनली वीडियो आ चुका है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मनी इन द बैंक के अंदर कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, इस बार का मनी इन द बैंक के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच डब्ल्यू वाले बुक करने वाले, तो भाई आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको पता ही हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो मनी इन द बैंक का सबसे पहला मैच के बारे में बात करें तो ये देखने को हमें मिलने वाला है सैमी जेन केविन ओवंस वर्सेस इंपीरियम के बंदे के बीच। मैं आपको बता दूं ये मैच जो होने वाला है टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए होने वाला है, ये मैच 100% कंफर्म ही आप लोग। हाँ, मुझे सीरियसली नहीं लगता कि इस मैच के अंदर इंपीरियम के बंदे भी जीतने वाले। वैसे आप लोग सारे लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट बता सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा रोंडा रॉजी सेना वेजलर वर्सेस डैमेज कंट्रोल के मेंबर के बीच। आपको पता है आज के शो के ऊपर रोंडा रॉजी और सेना वेजलर न्यू चैंपियन बन चुके, तो इनका मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियंस बेल्ट। और यहाँ पर अगेन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टाइटल चेंज होने वाला, मतलब रोंडा रॉजी और सेना वेजलर ही चैंपियन रहने वाले। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपने देखा ही होगा सेथ रॉलिंस ने मजा ले लिया रिया रिप्ली के साथ, यही सेम मजा लेने वाले मनी इन द बैंक के अंदर फिन बैलर। मतलब सिंपल इनका मैच होने वाला, मेरे ख्याल से इसके अंदर विनर भी हमारे सेथ रॉलिंस ही बनने वाले। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, सेथ रॉलिंस का मैच डैमेज कंट्रोल के किसी और मेंबर के साथ भी हो सकता है, जैसे डेवन प्रीस्ट के साथ हो सकता है या फिर डोमडोम के साथ हो सकता है। मैं तो भाई यहाँ पर डोमडोम के साथ देखना चाहूंगा, पर जो भी हो इस मैच के अंदर विनर हमारे सेथ रॉलिंस ही होने वाले। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि देखने को मिलेगा हमें सेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। ऑलरेडी आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर इनका स्टोरी लाइन चल रहा था, इनका फाइनल मैच होने वाला मनी इन द बैंक के अंदर। और अगेन भाई यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी हारने नहीं वाले, करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑस्टिन थ्योरी हारेंगे समर स्लैम के अंदर। तो इस मैच के अंदर सिंपल तरीके से ऑस्टिन थ्योरी विनर होने वाले। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं आपको दोनों मैचेस का लिस्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो लिस्ट निकल कर सामने था उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिश स्टेटस वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में मैच देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक के अंदर। पर मुझे क्या लगता है पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद यहाँ पर ट्रिश स्टेटस वर्सेस जोई स्टार्क का भी मैच यहाँ पर बुक कर सकते, क्योंकि आपको पता है जोई स्टार्क ने भी अटैक किया था ट्रिश स्टेटस के ऊपर। वैसे ट्रिश स्टेटस वर्सेस बैकी लिंच का जो फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा वो समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा, तो भाई इसके अंदर कोई भी कम्पीट कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जिसका काफी हाई चांसेस बताया जा रहा है कि बियांका बेलर फिर से आस्का को चैलेंज कर सकती है मनी इन द बैंक के लिए, तो आपको मे बी यहाँ पर रिमैच देखने को मिल सकता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला इस मैच के बारे में। मनी इन द बैंक का जो लैडर मैच होने वाला उसके अंदर कौन सा रेसलर रहने वाला इसका प्रेडिक्शन मैं नहीं करने वाला। आप लोगों को कुछ टाइम बाद एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चल जाएगा, पर हाँ मैं आपको विनर बता सकता हूँ, एलेनाइट आपको विनर बनते हुए दिखने वाले। साथ ही साथ भूमेश जो मनी इन द बैंक होने वाला उसके अंदर विनर योशिकाई बनने वाले। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जिसका एक्चुअल में चांस है होने का, यहाँ पर हमें मैट रिडल वर्सेस गुंथर के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने अगर आज मेरा रॉक का रिव्यू वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उसके अंदर बताया था कि गुंथर आकर इंटरप्ट किए थे यहाँ पर मैट रिडल, तो मे बी हमें यहाँ पर इनका मैच देखने को मिल सकता है, पर स्टिल यहाँ पर विनर गुंथर ही रहने वाले मेरे ख्याल से। इसके बाद हम अपने सेकंड लास्ट मैच के बारे में बात करें तो ये देखने को मिलेगा सैमी जेन केविन ओवंस वर्सेस इंपीरियम के दोनों बंदे के बीच। ऑलरेडी आपको पता है ये दोनों नंबर वन कंटेंडर बन चुके, तो ये फाइनल फेस करने वाले मनी इन द बैंक के अंदर। हाँ, मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ कन्फर्म इस मैच के अंदर विनर हमारे सैमी जेन और केविन ओवंस ही होने वाले। वैसे मनी इन द बैंक के मेन इवेंट के मैच के बारे में बात करें जो कि देखने को मिलेगा रोमन रेंस सोलो सिकोवा वर्सेस उसोस के बीच। मतलब मुझे लगता है यार रोमन रेंस मतलब हर एक पेपर व्यू के अंदर मेन इवेंट ही करता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3 साल में एक भी पेपर व्यू मुझे याद नहीं जिसके अंदर रोमन रेंस कम्पीट किया मेन इवेंट के अंदर कम्पीट नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं इनका मैच के अंदर हमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक और रिपोर्ट आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस जिमी उसो का मैच हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्पेशल जो रेफरी होने वाला है हमारे जे उसो होने वाला है। सच में मेरे अकॉर्डिंग अगर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू वाली करवाते तो भाई बहुत कमाल का मैच सच में होने वाला है। अगर इनके बीच टैग टीम मैच अगर होता है तो मेरे ख्याल से उतना इंटरेस्टिंग इनका मैच नहीं होने वाला। वैसे चाहे जो भी हो आप लोग को भूलना नहीं, सारे लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भाई सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।